हेलो, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा बुंदेले, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड लेजर क्लिनिक जयपुर से। हम आज बात करेंगे जॉ लाइन कंटूरिंग पर। जो जॉ है वो हमारी बनी हुई है आपके लोअर जॉ बोन से, जिसे कहते हैं मैंडिबल, और मसल है यहाँ पे जिसे कहते हैं मैसेटर। इन दो चीजों को मैनुपुलेट करके हम जॉ को अच्छा कंटूरिंग दे सकते हैं। कुछ लोगों का जॉ जिनका चौड़ा होता है उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आपकी बोन बड़ी चौड़ी है और आपके सर्जन एग्जामिन करने के बाद वो डिसाइड होगा कि आपकी अगर बोन चौड़ी है तो उसे सर्जिकली कम कर सकते हैं। सर्जरी का मतलब है कि आपको एक बाहर से छोटा कट या मुंह के अंदर से एक छोटा कट लग के उस बोन को फाइल कर दिया जाता है ताकि आपकी बोन नैरोवर दिखे और आपका फेस को एक ओवल नैरो कंटूर आ जाए। बोन के साथ अगर मसल चौड़ी लग रही है तो मसल को भी कम कर सकते हैं। चौड़ी मसल को कुछ फाइबर्स हटाकर सर्जिकली रिड्यूस किया जा सकता है, बट जिससे आपके किसी फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, खाली चौड़ाई कम होगी और आपको एक नैरो फेस दिया जा सकता है। सर्जरी का मतलब है थोड़ा स्कार, इंसिजन जो मुंह के अंदर से या बाहर से आ सकता है, पेन पेन किलर्स दिए जा सकते हैं, इंफेक्शन प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओवरऑल रिकवरी टाइम 5 से 7 हफ्तों का होता है और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं स्वेलिंग कम होने के बाद। ये तो हुई सर्जरी की बात जहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपकी बोन ठीक है, सिर्फ मसल ही चौड़ी है, तो उसमें मसल रिलैक्सिंग इंजेक्शन, जिसे हम बोटुलिनम टॉक्सिन बोलते हैं या बोटॉक्स बोलते हैं, वो भी लगाए जा सकते हैं। तो धीरे धीरे मसल आपकी साइज कम हो जाती है और आपको एक अच्छा कंट्रोल फेस मिल सकता है। साथ में अगर आपकी चिन छोटी है तो चिन में इम्प्लांट डाला जा सकता है, या फिर आपके बीच में जाउल्स बने हुए हैं, रिंकल्स है, कई बार इम्प्लांट नहीं तो फिलर्स डाला जा सकता है, बोटॉक्स यूज किया जा सकता है, या फैट ग्राफ्टिंग करके भी आपकी चिन का साइज थोड़ा बड़ा किया जा सकता है या आपकी जॉ लाइन को कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कभी आपकी जो ये चौड़ाई है वो बहुत नैरो होती है, कुछ मस्कुलिनिटी या बॉयश लुक आने के लिए इस जॉ साइज को बड़ा करने की भी कुछ क्वेरीज आती है, वहां पे हम जॉ इम्प्लांट डाल सकते हैं और एक अच्छा शेप हम जॉ को दे सकते हैं। जॉ इम्प्लांट सर्जरी अगेन या तो हम बाहर से इंसिजन लगा के या मुंह के अंदर से इंसिजन लगा के कर सकते हैं। और इम्प्लांट जैसे कि हमने पहले भी बताया, या तो सिलिकॉन का हो सकता है या मेटकोर का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्जन ये डिसाइड करते हैं कि क्या साइज का इम्प्लांट डालना है। पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है और कैसे वो सर्जरी करनी है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर चिन आपकी छोटी है तो चिन में इम्प्लांट डाल सकते हैं। पिछली बार हमने लास्ट चिन के वीडियो में आपसे डिस्कस कर ही लिया था। और अगर बीच में जरूरत है तो हम फिलर्स डाल सकते हैं या फैट डाल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बास्केट में जो एक जॉ कंटूरिंग के लिए जरूरी है। और आपको इसमें किसी भी तरह का कोई क्वेरीज है या आपको उसमें हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।